सभी को द कपिल शर्मा शो की तरफ से, सोनी टीवी की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. विश यू वेरी हैप्पी दिवाली. अर्चना जी, दिवाली का मौका है, देखो कितना खूबसूरत लगता है, सब लोग कितने खूबसूरत लग रहे हैं, मोहल्ला सजा हुआ है. अच्छा, दिवाली पे एक चीज आप सबने नोटिस की होगी, घर के हर मेंबर की कहीं ना कहीं ड्यूटी लगी होती है. घर का जो सबसे बड़ा लड़का होता है ना, उसकी ड्यूटी ये लगी होती है कि सालों से जो ये लड़ियां पड़ी हुई ना लाइटों की, उनको सुलझाने में काम लगता है. तू जाके छत पे लगा के आ, उधर जा, ये सब करता रहता है. और एक बुजुर्ग को घर के सोफे बिठा देते हैं, पापा जी हाँ पापा जी कोई भी आएगा आपने वेलकम करना है. और एक ताऊ होता है जो शाम से घड़ी की तरफ देख रहा होता है कि 10 बजे कि नहीं बजे, क्योंकि ताई ने धमकी दी होती कि अगर तुमने 10 बजे से पहले बोतल खोली तो मुझे भूल जाना. तो ताऊ 9 बजे तक तो कंट्रोल करता है, उसके बाद फिर वो कहता भूल जाते हैं ताई को, तू ले. अच्छा, एक बात और देखना आप, दिवाली पे जॉइंट फैमिली जो होती है वो तो एक साथ इकट्ठा होती है, मेहमान बड़े आते हैं. अरे भाई साहब आ गए, आ गए. ओ भाई साहब. हाँ जी. ये कपू शर्मा का घर यही है क्या? कुछ देने आए हो तो यही है, लेने आए तो पता नहीं कहाँ रहता है. चलो. अरे नहीं नहीं, देने ही तो आए हैं. अरे ले आओ रे. हाँ आ गए. ओह माय गॉड, व्हाट इज दैट? अरे भाई साहब इनका ध्यान रखिए, रेलवे स्टेशन के पास इनको चक्कर आ गया था, बेहोश हो गए थे ये. अबे जिसको चक्कर आएगा इधर ले आएगा, मैं क्या नींबू चटाता हूँ? उठाओ उठाओ इनका. कौन है ये बदहजमी का मरीज दोनों? अरे आप ही के रिश्तेदार हैं, आप ही संभालिए इनको. रिश्तेदार? चलो. ओ हेलो, ओ बीन बैग की जोड़ी, कौन हो तुम दोनों? एक मिनट एक मिनट. ए जी सुनो, गए वो लोग. गए वो लोग. हेलो, ये क्या नाटक चल रहा है? अरे बेटा, वो ऑटो वाले ने यहाँ आने से इनकार कर दिया, 500 रुपए मांगे. इतने पैसे कहाँ से दे? तो मैंने अपने जूते निकाल लिए, सूंघ लिए, बेहोश हो गया. पहचाना? आप वही हो जेमिनी सर्कस में सूंड लगा के साइकिल चलाते हो जो आप? बड़े मजाकिया हैं दामाद जी. कौन दामाद जी? हमारे दामाद जी. अरे हमारी भतीजी से ब्याह जो हुआ है तुम्हारा. कौन सी भतीजी के साथ ब्याह हुआ? कौन हो आप लोग? एक मिनट, दिखाई ना दे रही कहीं. बिंदु, बिंदु, प्यारी बिंदु, प्यारी बिंदु. अरे हम आ गए. क्या? अरे इनसे मिले, ये है बड़ी मम्मी और बड़े पापा. बड़े पापा? ये बड़े पापा हैं तो जो घर में बड़े पापा हैं वो कौन है? और ये बड़ी मम्मी इतनी छोटी मम्मी क्यों है? अरे बड़ी मम्मी इतनी छोटी इसलिए है कि इनके नीचे दब के छोटी रह गई. वरना तुम्हारे ब्याह के टाइम पे तो घोड़ी से भी लंबी थी मैं. पहचाना? मेरी दुरानी दिखाई नहीं दे रही. दुरानी कहाँ मर गई? मम्मी 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 अरे गोली, 4 साल पहले देखा था तब तू बड़ा था, छोटा कैसे हो गया? अरे वो कहा है ना, मुझे कटवा ली इसने. हमारे वाले तो नाक ही कटवा दी. एटीएम में सूसू कर रहा था. ओए इतना, ओ चूहों के पाब्लो एस्कोबार, फटाफट अपने रिश्तेदारों को बिल, उनको वापस भी जाना होगा. चलो चलो. अरे ए दामाद जी, अभी ठीक से मिलने दीजिए. जेठानी जी, दरानी जी, ठीक है ना? ठीक है. अरे ए जेठ जी, नॉक नॉक. हु इज देयर? रूपमती. अरे रूपमती हूँ. आपके छोटे भाई के नौनो बच्चों की इकलौती मम्मी. आप दोनों को देखकर मुझे अपने चाचा की याद आ गई. अच्छा, वो भी हमारे जैसे हंसमुख थे? नहीं नहीं, उनका मुख नहीं था. ऐसे दामाद के घर में जाके बकवास कर रहे थे. हाँ, उन्होंने मुंह में आलू बम रख के चला दिया. हाँ, अभी सिर्फ गर्दन गर्दन तक है वो. वैसे आप लोगों का जाना कब होगा? जाने की बात कर रहे हो? अरे वो दिवाली है ना, तो बेटी को शगुन देना होता है. हाँ, तो बस इसीलिए आए शगुन देने से. और क्या? बेटा ये लो, बेटा ये. अरे बड़े पापा, इसकी क्या जरूरत? क्यों नहीं जरूरत थी? हैं?
एक ही पीस मिठाई का? इतनी मिठाई कौन लेके आता अपने दामाद के घर? अरे बेटा भरा हुआ था। हाँ? रास्ते में चेक करना पड़ता है ना, खराब तो नहीं हुआ, खराब तो नहीं हुआ। ये देखो, ये भी खराब नहीं है। हाँ? अब जाके बॉक्स फ्रिज में रख दो, कहीं बॉक्स खराब ना हो जाए। दिवाली पे आप मेरे लिए कुछ नहीं लेके आए? ऐसे कैसे होगा, रॉकेट चलाएगा? ये ले रॉकेट, चला। रॉकेट डाल और चला। ए जी तुम भी ना, खाली बोतल दे दी। अरे रॉकेट चलाएगा? हाँ, हाँ, रॉकेट हाँ। चलाना भी तो होगा उसे। ये ले बेटा, चला रॉकेट। अरे रॉकेट कहाँ है? रॉकेट चाहिए। ए गोली, सारा कुछ बड़े पापा बड़े मम्मी से मांगता रहेगा। जीजा जी कब काम आएंगे? ए दामाद जी, इनको रॉकेट दिलाइए। मैं इस चक्री को रॉकेट क्यों दिलाऊं? मैंने पैदा किया इसको। गोली, पैर छू इनके, 10,000 रुपये मांग ले। एक मिनट, ये भीख मांगने का कोर्स पूरी फैमिली ने किया हुआ है? नहीं, ये कोर्स सिर्फ मैंने किया था, इन लोगों को फ्री में सिखाया है। बदतमीज लोग हैं ये। अरे बड़े पापा, आप लोग कैसे, क्या बातें कर रहे हैं, तब से खड़े हैं, थक गए होंगे? मैं वही सोच रहा था, मैं थक गए होंगे। चलिए मैं आपको ट्रेन में बिठा के आता हूं। अरे बेटा, अभी कहा, अभी तो दिवाली की बधाई दी है, अभी भाई दूज है, उसके बाद क्रिसमस आएगा, फिर न्यू ईयर आएगा, फिर होली आएगी, उसकी बधाई दे के फिर चले जाएंगे। हाँ, और नहीं तो क्या। अरे बिटिया के ससुराल में रोज रोज आना अच्छा लगता है क्या? अरे यहीं पड़े रहेंगे। एक मिनट, यहाँ कहाँ पड़े रहोगे, यहाँ तो पहले जगह नहीं है, ये लोग पड़े हुए हैं पहले ही। जगह नहीं है दामाद जी। हाँ, गोली ने सब बता दिया है मुझे फोन पे। तुम्हारा एक बड़ा बेडरूम है, तो तुम क्या करना भैया, दामाद जी उस बेड पे लेट जाना, बेड के नीचे ये सो जाएंगे। और इसका क्या है, ये तो अलमारी पे भी सोती है, कितुसी है। अरे नहीं नहीं, अलमारी पे तो मम्मी सोती है। अच्छा दुरानी, तू अलमारी पे सोती है तो फिर मेरा देवर कहाँ सोता है? अरे चढ़ जाता है अलमारी पे वो। सोता कहाँ बुड्ढा, सोता तो ऐसी ऐसी चीजें होती। देखो मेरी बात सुन लो, घर में जगह नहीं है, आप लोग कोई अच्छी सी धर्मशाला देख लो आप लोग। अरे शर्मा जी, त्योहार का वक्त है, दिवाली है, आप कैसे रिश्तेदारों से बात करें? मेरे रिश्तेदार कहाँ से, तेरे रिश्तेदार है। लगता है दामाद जी ने अच्छे से पहचाना नहीं है। हाँ, हमें। पहचान तो मैं आप लोगों को गया हूँ, बेटियों के घर में जाके आप 6-6 महीने रहते हो, डंडा कहाँ है मेरा? डंडा कहाँ मेरा? ए जेठानी जी, आप मुंह फाड़े का हंस रहे हैं, जाके अंदर छुप जाइए। क्यों? आपको क्या लगता है दामाद जी सिर्फ जेंट्स को ही पीटते हैं? अच्छा? अर्चना बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। तू भी बहुत हैंडसम लग रहा है। वाओ, थैंक यू अर्चना। स्पॉन्सर है सूट? आजकल तेरे सूट स्पॉन्सर हो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, मैंने खरीदा है, प्लीज। आज दिवाली के खूबसूरत मौके पे खूबसूरत मेहमान हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, आपसे बस इतनी सी गुजारिश है, गिफ्ट नहीं मांगना उनसे। तो चलिए उन्हें मंच पे बुलाते हैं, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर अजय देवगन, इंदू सर, सिद्धार्थ भाई, रकुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, अ वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। और दिवाली की शुभकामनाओं के साथ साथ मैं अजय सर को मुबारकबाद देना चाहता हूं। सर कांग्रेचुलेशंस, अभी अभी आपको ताना जी के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, सो प्राउड ऑफ यू। अजय सर का सही है, साल में ना एक आध फिल्म ऐसी जरूर करते हैं जिसको नेशनल अवार्ड मिल जाए, और एक ऐसी जरूर करते हैं जिससे पूरा एक बिल्डिंग का फ्लोर खरीद ले। तो आपसे सवाल है कि ये वाली जो फिल्म है थैंक गॉड, ये अवार्ड वाली है कि फ्लोर वाली है? इनके प्रोड्यूसर वहां और डायरेक्टर वहीं है। मुझे दोनों देना पड़ा, फ्लोर भी देना पड़ा और स्क्रिप्ट भी देना पड़ा। अवार्ड की कोशिश कर रहे हैं इनके फ्लोर के बांधे आजकल। मैं खुद फ्लोर पे हूँ। पर जोक्स अपार्ट, एक बात है, मैं उनके पास जाता हूँ, वो मुझे देखते हैं, वो मुझे स्क्रिप्ट इतना मांगते भी नहीं है, इंदू करनी है पिक्चर। अच्छा, भरोसा ही आप पे इतना? सर आपने इतनी कमाल कमाल की फिल्में बनाई, आप सबको पता है दिवाली पे ना हर हलवाई की दुकान पे काजू कतली जरूर मिलती है, वैसे ही हर हिंदी बड़ी फिल्म में आपको रकुल प्रीत जरूर मिलेगी। ये अभी हाल ही में अक्षय पाजी के साथ आई थी, अजय सर के साथ आई है, बीच में भी 2-3 फिल्में थी, इनकी डेट्स नहीं थी इसलिए हम लोग शूट नहीं कर पाए। अब मानती हैं आप हमारी फिल्म इंडस्ट्री की काजू कतली हैं?
आप ऐसा कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, थैंक गॉड। वाह स्मार्ट गर्ल, आज लग भी रही है आप काजू कतली। और अगर ये काजू कतली हैं, तो इंदु सर हमारी इंडस्ट्री के हलवाई हैं। इनके पास हर तरह की मिठाइयां हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट लेके फिल्में बनाते हैं, पॉसिबल नहीं होता। बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए विराजमान हो जाइए। रकुल आपको पता है, मेरे को अर्चना जी की बात बोल रही थी, कहती रकुल को हर फिल्म के लिए इन्वाइट मत किया करो, इतनी बार शो पे आ चुकी है, मार्च एंडिंग में जाके ना शो में से हिस्सा मांगेगी। नहीं मैं मांगने ही वाली थी, मैं अब कपिल कितना हिस्सा खाएगा, कितनी बार खाएगा, कब से करी जा रहा है, किसी से शेयर नहीं करता है। चलो दिवाली गिफ्ट दे दो मुझे। मिल गया जवाब जो तुझे चाहिए था। यू वांट पिस्ता? नो नो आई वांट हिस्सा। इतना वेट लॉस कैसे कर लिया कपिल भाजी? हमारा हिस्सा खा खा के जो हिस्सा खाते हैं उसका बढ़ता है, हमारा कम हुआ है, तो जाहिर सी बात है कौन किसका खा रहा है। हमारी नजर भी तो लगी जब तूने हमारा हिस्सा खाया। तो मैंने अभी खबर पता चली, कहते सिद्धू जी ने भी 18 किलो कम कर लिया है। या कह दो कि हो गया उनका। सिद्धार्थ भाई पिछली बार जब आए थे शेरशाह के लिए, तो इनके किरदार की उस फिल्म में डेथ हो जाती है, थैंक गॉड में भी ये मर जाते हैं। आप ये जो ऐसे किरदार, आपको इसलिए इतने एक्साइट करते हैं कि दिवाली पे कोई आपसे बख्शीश मांगे, आप कहें किस बात की बख्शीश, मैं मरमर के पैसे कमा रहा हूँ। जो हम इस देश में मानते हैं कर्मा के ऊपर, जी जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल आई थिंक वो कॉन्सेप्ट बहुत ही खूबसूरती से सर ने और राइटर्स ने दर्शाया है इस पिक्चर में, तो ये आपको जरूर देखनी चाहिए। ये Definitely. आज के फ्लॉड आदमी के बारे में है जो मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास और उससे आगे जाना चाहता है और उसके लिए क्या कदम उठाता है, और फिर जब उसका एक एक्सीडेंट होता है उसको ऊपर जाके गेम खेलने का मौका मिलता है कि वहां पे डिसाइड होगा तुम्हारे कर्मों के हिसाब से कि तुम हेवन जाओगे या हेल जाओगे। nice. तो आई थिंक बहुत ही हंसी मजाक के तरीके से इंदु जी ये कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, और मुझे ये किरदार और इसका जो ओवरऑल थॉट है बहुत ही प्यारा लगा। तो आई थिंक ये दिवाली के लिए एकदम एप्ट पिक्चर है, हमारी देश की सारी फैमिली आके देखे। इंदु सर कैसे, अंदर मन में लड्डू तो फूट रहे होंगे कि दिवाली पे रिलीज है, फिल्म भी अच्छी बन गई है, आने वाला माल है। हाँ खुशी तो होती है, देखो माल तो पार्ट ऑफ लाइफ, लेकिन जो हमारा हाई है वो ये है कि हमको तारीफ मिले, लोग बोले आपने फिल्म अच्छी बनाई, बिल्कुल लोग जप्पी पाए आपकी फिल्म देखी बहुत मजा आया, हमारा दिल भर गया। हमेशा ही आपकी फिल्में देख के मजा आता है इंदु सर। हाँ तो वही मजे के लिए मैं जीता हूँ। क्या बात है। और आप देखो हर फिल्म के साथ इंदु सर और जवान होते रहते हैं, देखो आप इनका ग्लो देखो, आप चेहरे पे देख लो रकुल के जितना ही ग्लो कर रहे हैं इंदु सर। तो क्या कहना पड़ेगा पता, यू नो थैंक गॉड। सर फिर दिवाली के मौके पे जैसे हम हर जगह से डिस्काउंट मिलता ही है, कहीं पे भी चले जाओ, अजय सर देते हैं आपको डिस्काउंट? यार तू मेरे डिस्काउंट के पीछे क्यों पड़ा रहता है? नहीं प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम आ रहा है। हां बिल्कुल साबता रखना पड़ता है, चैनल बोलता सारा वो लिख के रखा करो। आपको पता होगा अजय सर और इंदु सर की बैक टू बैक दो फिल्में हुई हैं, तो ये इन्होंने आपसे कोई लोन ले रखा है कि या आपने इनसे कोई लोन ले रखा है जो एक दूसरे के साथ फिल्में कर रहे हैं आप बैलेंस करने के लिए? तो पता नहीं कौन किसका कर्जा चुका रहा है, वो मेरा या मैं उनका, पर ये मोहब्बत बनी रहे सर। इंदु सर एक बात सच सच बताइएगा, अजय सर आपकी पहली चॉइस होते हैं कि जब आप फंस जाते हैं फिर आप जाते हैं अजय सर के पास? नहीं मैं ऑलवेज फंसा हुआ रहता हूँ, मैं उनके पास ही जाता हूँ। सर ये थैंक गॉड टाइटल शुरू से था कि जब आपने टी सीरीज को घेरा, आई मीन आपको लगा कि अब बड़ा प्रोडक्शन हाउस आ गया है, तो थैंक गॉड फिर आपने बोला नाम? नहीं एक्चुअली पहले से ही थैंक गॉड टाइटल रखा। अच्छा जी। या और बात भी कितनी खूबसूरत है, हम लोग कभी भी ना भगवान को शुक्रिया अदा बहुत कम करते हैं, लोग मन्नतें मांगते रहते हैं पूरी हो जाए तो ठीक, उसके बाद भी नहीं। मुझे तो लगता है सुबह जब उठ जाते हो ना तब भी करना चाहिए कि भगवान शुक्र है हम बच गए, आज फिर उठ गए। तो भगवान को छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू जरूर बोलना चाहिए। फिल्म का ट्रेलर बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ सीखने को मिला ट्रेलर में? मुझे ये सीखने को मिला कि जब फिल्म में नोरा भी है तो उसे भी लाना चाहिए था। I knew it. मैं उस डायलॉग की बात कर रहा हूँ, पराई औरत को माँ बहन की नजर से देखा। yes. सीखा? नहीं अब उसको तो समझ आ गया कि सब बहने हैं या फिर माँ की उम्र के तो हम हैं नहीं, तो बहने ही हुई। ऐसी बातें करोगी तो मैं भग जाऊंगा, फिर तुम कहोगी भगना नहीं भगना नहीं, मैं भग जाऊंगा। बोल रहा हूं।
देखो आप इनको कह रहे हैं कि पराई औरत को मां और बहन समझना चाहिए, आपने इसलिए तो नहीं कहा कि मेरा तो कोई फिल्म में सीन है नहीं, इसका क्यों काम बनने दो, ऐसा तो नहीं बोल रहे तो सर ये जो फिल्म में गाना है मनहारी जी, जिसमें हमारी बहुत प्यारी नोरा फतेही जी ने डांस किया है, तो नॉर्मली क्या होता है जब गाना होता है तो कोरियोग्राफर शूट करते हैं, हमने सुना कि ये जब गाना हो रहा था आप खुद कैमरा पे बैठे थे और आधे घंटे बाद किसी ने बोला कि कैमरा तो ऑन कर लो, इज इट ट्रू इंदू सर? एकदम गलत बात है, बिकॉज मैं सेट पे था ही नहीं जब ये गाना शूट हुआ है? पूछो इनसे। हाँ? कहाँ पे थे? डांसर्स के साथ ही नाच रहे थे आप? मैं नोरा जी को सिखा रहा था। हाँ, नोरा का जब गाना शूट हो रहा था तो कोई और सेट पे था। कौन? अब हर चीज तुझे बतानी जरूरी है। बता दिया करो, कम से कम थोड़ा जली ले हम और तो क्या। दिवाली के मौके पे हमारे कुछ सवाल हैं दर्शकों के जो आप सबसे पूछना चाहते हैं, इतने सीरियस होके क्यों आप हमारा मुंह देख रहे हैं? तो ये हमारे दर्शकों ने कुछ सवाल भेजे हैं, दिवाली पे बहुत सारी मिठाइयों के डिब्बे आपके घरों में आते होंगे, आपने बिना खोले आगे चिपकाया किसी को डिब्बा? चिपकाया नहीं है पर मैं गिफ्ट कर देती हूँ आगे। वही होता है चिपकाना, मतलब चिपकाना मतलब गिफ्ट नहीं कि अपनी टीम को बोलते हो ले जाओ। ओके, या आप खाती नहीं है ना मिठाई? नहीं, तो फिर मैं अपने ड्राइवर को या स्टाफ को या यू नो टीम को। आपको मिठाई अच्छी नहीं लगती कि डाइट कॉन्शियस है आप? नहीं, मुझे अच्छी लगती है बट मैं उतनी मिठाई का क्या करूंगी। बट बिना खोले कभी नहीं, नहीं आगे नहीं, पास ऑन करना चाहिए। अंदर लिखा हो हेलो डियर अर्चना एंड परमीत और आप किसी और को। देखा, तजर्बा बोल रहा, तजर्बा। तो बिना खोले कभी नहीं। ये जो आपने बात की ना बड़ी डिटेलिंग वाली है ये, कि डिब्बा खोले बिना नहीं भेजना चाहिए, अंदर कभी कभी कार्ड होता है। हाँ, तो ये तो तजुर्बा ही है ना यार। तो देखा आगे की नहीं बात। मिर्ची लाइट्स होती ना जो ऐसी वाली जो पीछे लगी, तो दिवाली के बाद हम उतार के रख लेते हैं, उसके बाद फिर सुलझानी पड़ती है खोल के। ये कभी किया आपने? हाँ बिल्कुल। हाँ, दिवाली से दो दिन पहले अटक जाते हैं बल्ब अटक जाते हैं बीच में, अंदर अंदर पूरे है ना। इतनी बड़ी हीरोइनों कैसे काम भी करती है। अच्छा, ऐसा कभी किया बचपन में? अरे सर आपसे भी ये सवाल है, दिवाली के अगले दिन बच्चे सुबह सुबह उठ जाते हैं जल्दी, क्योंकि जो रात को कई पटाखे नहीं फूटे उनको ढूंढ ढूंढ के फिर इकट्ठा करते हैं, कभी किया आपने? हाँ बिल्कुल, दिवाली अब तो पटाखे तो एनवायरमेंटल रीजंस के वजह से, पोल्यूशन के वजह से नहीं फूटते। आई थिंक वो तो अब हुआ, लेकिन जब हम बचपन में ही ये सब एनवायरमेंट के बारे में हमको भी नहीं पता था, हमको तो बहुत मजा आता था, बहुत शौक था पटाखे फूटने का। अब नहीं, अब तो बच्चों को भी नहीं है, बच्चे भी समझते हैं एनवायरमेंट। तब दिवाली एक ही रात थी जब हमें एक्सक्यूज मिलता था कि यार सुबह तक, मतलब सुबह तक जगते रहो और चाहे पार्टी हो या रौनक हो, घर वाले आते थे वहाँ पे। आजकल एनवायरमेंट को सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रॉनिक से खराब करते हैं। आजकल वैसे भी आजकल तो इतनी सारी ऐप आ गई, उसी पे पटाखे आ जाते हैं, वहीं एंजॉय वो वाला। पर ठीक है, अच्छी बात है, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी रॉकेट चलाने के लिए बोतल ढूंढते हैं, रॉकेट ही नहीं चलाते थे, करते थे। इसी साथ ही हमारे जनता के सवाल खत्म होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। अरे क्या लग रहा है शर्मा जी, कैसे हैं? मैं बहुत सुंदर हूँ। अरे इतना अच्छा अच्छा मेहमान आए हैं आज यहाँ, थैंक गॉड। बता रहे हैं थैंक गॉड का ट्रेलर देखे हम, बहुत अच्छा लगा हमें, इतना प्यारा ट्रेलर है, जोरदार तालियां एक बार ट्रेलर के लिए। अब हम अपनी तरफ से तारीफ कर दिए हैं, थोड़ा अब हम कैसे लग रहे हैं, हमारा भी थोड़ा तारीफ कीजिए। हाय हाय, एकदम पटाखा लग रहे हैं, पटाखा। आलू बॉम्ब। आलू, आलू बॉम्ब। बॉम्ब तो है ना? हाँ बिल्कुल, बॉम्ब, वाटर बॉम्ब। पर जोक सपाट गुड़िया, सीरियसली तुम आज ऐसा लग रहा है जैसे पुराना ऑटो नए पर्दे लगवा के नहीं आता। आइए बैठिए, आपको अंधेरी छोड़ देते हैं। ऑटो लग रहा है। हाँ, एक मिनट बातचीत करने दीजिए। हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। एक नंबर काम करते हैं, बहुत अच्छा सर्विस देते हैं पूरे। झूठ बोल रही है, उस दिन गुप्ता जी का पजामा वापस किया उसमें नाड़ा ही नहीं था। वो नाड़ा हम पर्पसली निकाले हैं। क्यों? गुप्ता जी जो है मोहल्ले में सब लोगों के काम में बहुत उंगली करते हैं, तो अब नाड़ा निकाल दिया, पजामा पकड़ के ऐसा हाथ बिजी रहेगा। कहाँ से करेंगे उंगली? तो चलो उनका तो ये समझ में आ गया, उनकी बीवी का पेटीकोट क्यों गायब कर दिया तुमने? वो तो हमें फिट आ गया था तो रख दिया हमने। लेकिन आपका थैंक गॉड फिल्म आ रहा है, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। कांग्रेचुलेशन क्या होता है? कांग्रेचुलेशंस। लहसुन कहाँ से आ गया? वो तो सुबह सुबह सॉरी जरा गटक लिए थे लहसुन, वो निकल आया। वो नहीं।
क्यों बोल दिया? ऐसा नहीं, हम कॉन्ग्रेचुलेशन ही कहना चाह रहे थे, लेकिन अजय जी आपको अपना ये ताना जी के लिए अवार्ड मिला ना, अब कमाल का बात देखिए, हमको अवार्ड के लिए ताना मिला। तो किसी का चोरी करोगे तो ताने मिलेंगे ना, मेहनत करके कमाओ। ऐसे तो होगा ही नहीं, हम काम क्या करते हैं, कपड़े धोने का, इसमें कौन अवार्ड देगा? हम अच्छा कपड़ा धो देंगे तो और गंदा कपड़ा लाके हमको दे देंगे। अवार्ड कहाँ देता है कोई ये काम के लिए? सही बात है, अरे वाह, है कि नहीं? सही बात, सही बात, सही कहा। यही चलता रहेगा बस। वैसे इंदु जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप। ओ थैंक यू, बड़ा कमाल का फिल्म विल्म बनाते हैं आप, बड़ा अच्छा लगता है। पर्सनालिटी भी बड़ा अच्छा है आपका, हैंडसम लग रहे हैं बहुत। क्या ब्लाइंड यार, मैं ब्लश कर रहा हूँ। आइए ना हमारे साथ एक बेटी कीजिए ना। नहीं क्या बोल रही है? नहीं नहीं, बेटी शर्म नहीं आती? नहीं ना, आप लोग गलत समझ रहे हैं। अच्छा बेटी ने हमारा मतलब है अनिल कपूर जी के साथ आप बेटा किए ना फिल्म। हमारे साथ बेटी नाम का फिल्म कीजिए, ये क्या आप लोग गलत समझ लीजिए, बेटी लग रहे हैं ना हम? बेटी नहीं तो मट वाली जेटी लग रही है जिसमें अर्चना जी बैठ के आती है। अच्छा देवगन जी हमको बताइए, आदमी कितना कंफ्यूज्ड है। पहले हम ऑटो लग रहे थे, अब हम जेटी लग रहे हैं। यार हम ऑन रोड व्हीकल है कि ऑन वाटर, डिसाइड कर लो। लेकिन इंदु जी आप इतना सारा फिल्म बनाए बहुत, लेकिन आपके ना एक क्रोनोलॉजी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। कैसे क्या? नहीं क्या है, आपने पहले बेटा किया, फिर इश्क किया, फिर मस्ती किया, ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली ऐसा होता है सर, पहले इश्क होगा फिर मस्ती होगा, और इश्क और मस्ती होगा तो बेटा हो ही जाएगा। और उसके बाद बोलेंगे थैंक गॉड। उसके बाद बोलिए थैंक गॉड, ये भी सही है। बिल्कुल गड़बड़ तो हो गई। नहीं लेकिन अजय देवगन जी एक और बात हमको समझ में नहीं आया, मस्ती इन्होंने 3 बार किया फिर बेटा एक ही क्यों हुआ? हमने ट्रेलर में देखा है, तो जोक वोक आप सुना रहे हैं तो आप बार बार वो सेम जोक सुना रहे हैं ट्रेलर में, हम देखे ऐसा जरूरत नहीं है, हमारे पास और बहुत सारा जोक है, हम आपको देते हैं आप सुनाइएगा। तो हमको बताइए खुशी जो होती है ना खुशी, उसको अगर कोई कुरियर भेजना है तो हम नहीं भेज सकते, बताइए क्यों? क्यों कहाँ भेजेंगे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। एक और आपको बताइए चांद पे दाग क्यों होता है? क्यों? क्योंकि चांद पे पानी नहीं होता, बेचारा चांद मुंह धो ही नहीं पाता है। चलो मैं एक जोक सुनाता हूँ। आप जोक सुनाएंगे? गई भैंस पानी में। हाँ। फिर आगे? पहले जाओ तो सही। रकुल जी आप बहुत गलत कर रही हैं। बहुत क्या गलत कर रही रकुल? नहीं आप बहुत गलत कर रहे हैं, आप इतना प्रीटी काहे दिखती हैं? आप इतना प्रीटी दिखती हैं, इतना फिट रहती हैं, सारे लड़के कहते हैं हमको रकुल जैसी लड़की चाहिए जीवन में, हमारी और कोई देखता ही नहीं है फिर। सो सॉरी, बहुत गलत कर रही हैं आप। अभी अजय जी देख रहे हैं आपकी तरफ, आप ही पे नजर है उनकी। बस खाली नजर रखे, सटकेगी तो नहीं ना? तो डर लगता है थोड़ा, इसकी आता माजी का पता नहीं हो जाता। वैसे लेकिन आपसे वही बात हम पूछना चाह रहे थे, आप सब लोग आ गए, वो मेन एक्टर है आपका फिल्म का आया नहीं? कौन? तब तो आए, कौन मेन एक्टर? नहीं वो किकू शारदा एक है ना। अरे जिसके कहानी पूरा उसके इर्द गिर्द घूमती है, वही लड़का? ये तो बोल रहे थे उसका एक ही सीन है। आपको पता चल गया? ठीक है एक ही सीना, हम बोले कि यहाँ पर आके नाम ले लेते हैं, कस्टमर है हमारा यहाँ पे। अच्छा, अच्छा, तो हम बोले कि जस्ट स्टेज पे नाम ले लेना, तो हमने ले लिया है। उस लड़के की बात कर रही है, मुझे पता है वही ना, जो वैनिटी में घुसता है तो लड़का होता है, बाहर निकलता तो लड़की होता है। उसी बात कर रही ना आप। जितना प्रमोशन करना था वो लड़के का हमने कर दिया है, आपसे अब रहने दीजिए, ज्यादा जरूरत नहीं है। खैर हम बता रहे थे कि सर आपको पता है हमारा शादी का उम्र तो हो ही गया है, तो हमने क्या अपने लिए एक लड़का देखा है, ऑनलाइन चैटिंग चल रहा है हमारा। तो लड़का है उसका नाम रॉकी है, रॉकी। रॉकी? अच्छा।
नहीं, नाम से ही लगता है कि 50% तो सिद्धार्थ मल्होत्रा होगा वो. रॉकी नाम है, रॉकी. हमने एक्चुअली सर वो लड़के को यहीं पे बुला लिया. हमको क्या लगा कि अजय देवगन जी यहाँ पे आए हुए हैं. अच्छा. तो जरा लड़के को देख के थोड़ा उसका हिसाब किताब हमको बता दीजिएगा. मतलब आप जज कर लीजिएगा, आपका जजमेंट बहुत अच्छा रहता है. आपको लड़का अच्छा लगे तो ये इशारा कीजिएगा. बाई चांस लड़का खराब लगे तो ये इशारा कर दीजिएगा. और बाई चांस अगर जजमेंट आए नहीं कि पता नहीं चला कि अच्छा है बुरा है तो यहाँ से उठा के केला खा लीजिएगा. हमको समझ में आ जाएगा. ठीक है, वो लड़का आता होगा, हम बुलाए हैं रॉकी को. बुलाओ. अरे बाबूजी कैसे हैं? बाबूजी. अजय देवगन जी, हमारा और रॉकी का जोड़ी अच्छा तो लग रहा है ना. रॉकी है? कौन रॉकी? मेरा नाम तो दर्पण है. तो रॉकी कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो अंकल को रोड क्रॉस कराने आया था. रोड क्रॉस कराने आया था अंकल? ध्यान से. अरे दर्पण, संभालो. अरे संभालो मत. अरे अंकल जी, वो आपको छोड़ के दर्पण. अरे कहाँ है रॉकी, कहाँ है? ये गुड़िया डार्लिंग, तेरा ध्यान किधर है? तेरा हीरो इधर है. Myself Rocky, Sweet 16. लाई लौटा. आप हो रॉकी? हाँ, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है डार्लिंग? भरोसे वाले चिचा. मैसेजिंग करते थे हमें, हमको मैसेज करके इन्होंने क्या कहा पता है आपको? हाँ. हमसे कहते हैं कि अगर घर वाले माने नहीं तो भगा के ले जाएगा. ये आदमी की टांगे कांप रही हैं, ये भगा के ले जाएगा. ओ, क्या है अजय जी, हमें तो अपने लूटा, गैरों में कहाँ दम था. हमें हाँ. तो अपने लूटा, गैरों में कहाँ दम था. टांगे मेरी इसलिए कांप रही क्योंकि 2 दिन पहले हमारा बीपी कम था. ओ चिचा, पता है ना, यमराज के नेक्स्ट टारगेट आप ही हैं. यमराज की धमकी हमको नहीं देना. 4 बार मौत को छू के आया हूं. 5वीं बार भी छू के आ गया. बेबी सुनिए, हमसे शादी कर लीजिए. 4 दिन की जिंदगी है आपकी. नहीं है 4 दिन की, एक ही बची है. अरे आधी तो निकल भी गई है, फटाफट शादी कर लीजिए हमसे प्लीज. अरे आप कैसे सोच लिया कि हम आपसे शादी करेंगे? अरे देखिए, हम आपके लिए शेर लिख के लाए हैं. ये तो उर्दू में है, हमें नहीं आती उर्दू. अरे ये हिंदी में है. वो क्या है कि लिखते वक्त मेरा हाथ कांपता है ना. वो तो ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसे मैनेज करेंगे. अर्ज किया है, अर्ज किया है. जरा औकात में रहिए बुढ़े अंकल. हमको बुढ़ा मत कहना, हमारे अंदर आज भी ऋतिक रोशन जिंदा है. ऋतिक रोशन, हम आपको अभी कितनी फिटनेस हम आपको दिखा रहे. प्ले द म्यूजिक. दिस इज कॉल्ड एनर्जी. दिस इज कॉल्ड डेथ. ओ चचा, कुर्ता सीधा करो आपका अपना. हमें लगता है ये ऋतिक अब ज्यादा रोशन नहीं रहा, बुझ गया है इसका ऋतिक. ये चचा को हम जरा ठिकाने लगा के आते हैं. आइए चचा. थैंक यू. आइए देखते हैं आपकी कुछ पिक्चर्स के नीचे आपके फैंस क्या क्या लिखते हैं. रकुल ने ये फोटो डाला, टीचिंग माई न्यू फ्रेंड हाउ टू पाउट, स्कॉटलैंड डायरीज, शूट डायरीज. उल्लू के साथ इन्होंने फोटो डाला है, बड़ा ही प्यारा फोटो है. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. आप मुझे भी पाउट बनाना सिखा सकती हैं क्या? मेरे पापा मुझे भी उल्लू कहते हैं. अच्छा. किसी ने लिखा, मैडम उल्लू के साथ फोटो अच्छा है, एक उल्लू के पट्टे के साथ भी डालो. किसी ने रिप्लाई किया है, तो फिर तू जाके खिंचा ले. और दिखाइए.
उल्लू को इतना भी उल्लू ना समझे, लड़की के चक्कर में दिन में जगा हुआ है। किसी ने लिखा है, सच सच बताना आपने इसको दोस्त इसलिए बनाया है ताकि रात में बॉयफ्रेंड पे नजर रख सके। और दिखाइए पिक्चर, ये अजय सर ने फोटो डाला है। कांग्रेचुलेशंस अक्की, 30 इयर्स ऑफ सिनेमा एंड सेवरल मोर डेकेड्स टू कम, होप यू सेट न्यू रिकॉर्ड्स। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जब प्रोड्यूसर किसी तीसरे एक्टर की फिल्म देखने बुला ले। लगता है प्रोड्यूसर ने पैसे कम करने के लिए बोला है, दोनों बाहर सोचते हुए। ये वेट कर रहे हैं कि बीवियों की बातें खत्म हो जाएं और ये अपने अपने घर जाएं। दिवाली का जुआ हार के बैठे दो लोग। कहां से सोचते हैं ये लोग? और दिखाइए, इंदू सर ने ये फोटो डाला है टोटल धमाल डांसिंग एंड डायरेक्टिंग माय फेवरेट, पैसा ये पैसा फ्रॉम कर्ज, थैंक यू। ओके, दिखाइए कमेंट्स। अगर इस फोटो में माधुरी दीक्षित नहीं होती तो इंद्र कुमार जी नाचने कभी नहीं आते। देखो आप, अनिल कपूर और इंद्र कुमार की माधुरी के साथ खड़े होने की जिद में अजय देवगन का हुआ नुकसान। पूरी खबर जानने के लिए हमारा पेज फॉलो करें। आगे दिखाइए। ओहो, मी व्हेन इट्स आउटडोर शूट एट 2 PM। दिखाइए नीचे कमेंट्स, नाइस पिक्चर। सर इतना पैसा कमा रहे हो, थोड़ा बहुत खा भी लिया करो, पेट की हड्डियां दिख रही हैं। पेट की हड्डियां दिख रही हैं बोला। लगता है बाहर मकान मालिक आया और ये रेंट ना देने के बहाने सोच रहे हैं। अच्छा हुआ टाइम पे कपड़े पहन लिए, वरना आपकी फोटो भी रणवीर जैसी आती। दो दिन जिम क्या चला जाए, आदमी पूरा दिन शर्ट के बटन खोल के घूमता है। दो दिन नहीं है, महीनों और सालों की मेहनत है। हाँ यार, आई विश दो दिन में ये हो सकता। ऐसा तो क्या बात होती है। और दिखाइए, सम मोर मैडनेस बर्थडे फोटो डंप। अच्छा जी वाह, दिखाइए नीचे कमेंट्स। इतना बड़ा चाकू, केक काटना है या टेबल भी काटने वाली हो? पीछे वाले दो लोग भी केक खाना चाहते थे, चाकू देख के वहीं बैठ गए। किसी ने लिखा है, ये पीछे वाली लड़की केक खा के सीधे चांद पे जाएगी। She's wearing that एस्ट्रोनॉट वाले कपड़े। और दिखाइए। टू बोल बच्चन शूटिंग ईच अदर, अजय सर ने ये फोटो डाला, 10 years ऑफ बोल बच्चन। रोहित शेट्टी साहब कैमरा पे हैं, आइए देखते हैं कमेंट्स। जयपुर शेड्यूल है ना? Yeah. अरे आप भी तो थी ना इसमें? Yes. इतने सरप्राइज के साथ क्यों बोल रहा है? नहीं नहीं, मैंने एकदम से याद आया मुझे, फोटो में नहीं है ना आप। इसलिए दिखाइए नीचे कमेंट। अजय रोहित को धमकाते हुए हमेशा एक्शन करवाता है, कभी रोमांस भी कराया कर। शेट्टी सर कैमरा से देख रहे हैं गोली कहां फंसी हुई है। डायरेक्टर के बार बार रीटेक मांगने पे अजय अपने देवगन में से गन निकालते हुए। और दिखाइए, इंदू सर ने फोटो डाला है, विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास को निभाना। द सेम गोज फॉर अस फिल्म मेकर्स। अच्छा ओके, दिखाइए नीचे कमेंट्स। आमिर सर ये मुहूर्त शॉट दे रहे हैं, मेरे हस्बैंड का नाम भी विश्वास है। इसलिए मैं भी कह सकती हूँ, विश्वास जीतना आसान है, उसे तोड़ना उससे भी आसान है, मगर मुश्किल है उस विश्वास पे विश्वास करना। दो बार पकड़ा गया है वो। और दिखाइए, अजय देवगन को देख के लग रहा है कि आमिर ने परफेक्शन के चक्कर में सारा दिन क्लैप देने में निकाल दिया। संजय मिश्रा जी को अभी तक यही बात हजम नहीं हो रही कि उनको सूट पहनने को दे दिया। That's so mean, yeah. और दिखाइए, ऑन योर मॉर्निंग ऑन योर डे ऑन योर लाइफ, नाइस पिक्चर। दिखाइए कमेंट्स। वेयर इज दिस सिड? दिस इज इन भोपाल। सुबह सुबह खेत में हल्का महसूस करते हुए। Yeah.
ज्यादा देसी पी लो तो इंसान ऐसे ही सवेरे खेत में उठता है। सर आप थोड़ी देर हमारे खेत में खड़े हो सकते हैं, हम भी चिड़ियों से परेशान हैं। और दिखाइए। Saw this cart full of desi bhuttas and man, it just revived my childhood memories. बड़ी इंग्लिश ज्यादा है, आगे कमेंट्स देखते हैं। भुट्टे में इतना दाना नहीं है जितना आपने इंग्लिश का शब्द पेल दिया है। अच्छा है। देखो आप अकेले, मुझे ही परेशानी नहीं है, दुनिया परेशान है इतनी इंग्लिश से। आप बहुत हॉट हो, थोड़ी देर और भुट्टे को पकड़ा तो पॉपकॉर्न बन जाएगा। और दिखाइए आगे। भुट्टा खाने वाली लड़की को मैं भी अफोर्ड कर सकता हूँ, गर्लफ्रेंड बनने के लिए संपर्क करें। ओह गुड गॉड। लड़कियां अकेली घूम रही होती हैं तभी भुट्टा खाती हैं, बॉयफ्रेंड के साथ होती तो कॉफी और डोनट के नीचे बात भी नहीं करती। और दिखाइए। फ्राइडे इज अ क्रूशियल डे फॉर एनी फिल्म मेकर, देयर इज नो बिगर मोटिवेशन फॉर अस देन द ऑडियंस लाइकिंग एंड। आपने भी काफी इंग्लिश लिखी है। चलिए टोटल धमाल के टाइम की ये फोटो है, ऐसे इशारा कर देखते हैं कमेंट्स नीचे। ये बता रहे हैं 6 दिन भी पिक्चर चल गई तो अपना पैसा अंदर। लगता है किसी हीरो का सीन शूट कर रहे हैं, हीरोइन का होता तो चश्मा हाथ में नहीं आंखों पे होता। और आगे दिखाइए। आपकी हस्तरेखा देख ली है मैंने, आपके पास बहुत पैसा आने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको किसी गरीब को 5001 रुपया दान करना पड़ेगा। मैं उस गरीब का अकाउंट नंबर भेज रहा हूँ। पेमेंट रिसीव होने के बाद दुआएं मांगनी स्टार्ट करी जाएंगी। देखो कितना प्रोफेशनल आदमी है। सीन के बहाने ये बता रहे हैं 7 बज गए, अभी मंगवा लो, कल ड्राई डे है। और दिखाइए आगे। हॉर्सिंग अराउंड आई टेकिंग राइडिंग लेसंस इन माय टाइम ऑफ, मीट सिमरन। ओ सिमरन इज द घोड़ी का नाम। घोड़ी का नाम। वेयर इज दिस? ये कपूर एंड सन्स की शूटिंग में, कुनूर। ओ वाओ। और कोई सवाल? आइए नीचे कमेंट देखते हैं। अरे कॉन्टेक्स्ट मिलना चाहिए, और मजा आता है। नहीं अच्छी बात है, बहुत अच्छा कंटेंट मिला। कॉन्टेक्स्ट। अच्छा कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्स्ट। ओके 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 ओके। बहुत अच्छा फोटो है, घोड़ी बैठे हुए हैं। नीचे कमेंट आया कि घोड़ी पे बैठे हो लगता है जल्दी शादी करोगे। किसी ने रिप्लाई किया तुझे कैसे पता ये घोड़ी है। फिर रिप्लाई आया देख नहीं रहे हो ये शर्मा रही है, घोड़ी ही होगी। और आगे दिखाइए। सर घोड़े को अश्व कहते हैं तो क्या घोड़े के फाट को अश्वगंधा कह सकते हैं? यार ये कैसे कैसे विचार, मच्छर मच्छर काट रहे हैं आपको। वर्ड प्ले। अभी ये सिमरन को 10 रुपए दे के बोलेंगे जा सिमरन जा खा ले अपने चने। और इसी के साथ ही हमारी पिक्चर समाप्त होती है। लेकिन अच्छा था ये सेक्शन, फनी था। अरे सर हमारे ना एक पड़ोस में चूरन जी रहते हैं तो उनको एक शो शुरू करना है, हमारे शो के बीच में घुस जाते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इनवाइट करूं उनको। प्लीज आइए चूरन साहब। माय गॉड कापू। हाय। ओह गॉड। हे अजय। हे सिद्धार्थ। राकुल। हाय डार्लिंग, यू आर लुकिंग सो स्टनिंग। थैंक यू। माय गॉड आई लव योर इयररिंग्स। Really? Like really, the accessories. Oh no, not me. Indaji, pai lagu. All right, let me begin my show. First of all, everybody welcome to Coffee with Churan, powered by the Kapil Sharma Show. To introduce my first guest, ye hai khiladiyon ke khiladi. Please welcome Rakshay. Rakshay. What? Oh, he's making an MP. सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ पटाखे जो है वो संभाल के जलाएं, अपना भी ख्याल रखें, और सबसे ज्यादा जो आस पड़ोस में छोटे छोटे बच्चे होते हैं आप उनका भी ख्याल जरूर रखें। आपकी
What are you looking out there? Show यहाँ पे चल रहा है। हाँ, वो मुझे पता है, लेकिन मेरा जो ad का shooting है, वो वहाँ चल रहा है। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? My God। अजय सर, नमस्कार। Just a second, what do you mean by अजय सर? वो तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं। What is sir? देखिए, वो जो हैं, वो original के अच्छे दोस्त हैं। अजय जी एक्शन बड़ा अच्छा करते हैं, अगर मैं ज्यादा फ्रैंक हो जाऊंगा तो थप्पड़ वप्पड़ भी पड़ सकते हैं, ठीक है? इसलिए इंदु जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, काफी फिट लग रहे हैं, जिम विम चालू किया। आपको फॉलो कर रहा हूँ। सिद्ध जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी शूटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी फिल्में कर रहे हैं। अब मैं आपसे यही कहूंगा कि शादी वादी भी कर लो, लाइफ में थोड़ा इंजॉयमेंट आ जाए। मैं आपको रकुल जी सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ, प्लीज मान लीजिएगा, आप जैकी जी से बात करके जो कठपुतली 2 की शूटिंग जल्दी से शुरू कर दीजिए। नहीं, दिक्कत क्या है ना कि मैंने एक आइलैंड खरीदना है, थोड़े से पैसे कम पड़ रहे तो शूटिंग शुरू हो जाता, एडवांस आ जाएगा मेरे पास। माय गॉड, आते हुए 20 सेकंड नहीं हुए, सीधे पैसों की बात। तू क्यों पैसा पैसा करता? जस्ट टेक अ सीट, लेट मी इंट्रोड्यूस माय नेक्स्ट गेस्ट। ओके ओके, व्हाई नॉट। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द नेक्स्ट गेस्ट ऑन माय शो, ऑफ कोर्स अ मैन ऑफ अ लॉट ऑफ शेड्स बिकॉज़ ऑफ हिज कॉस्ट्यूम्स एंड आल्सो ही इज अ पावर बैंक बिकॉज़ पिछले बार उसने मेरा फोन चार्ज कर दिया था। प्लीज वेलकम द वेरी स्टाइलिश सिम्बा फनवीर। आची, हाय, हाउ एम आई लुकिंग टुडे? Super. Je mala might nahi te sang, tell me what I don't know. Ajay sir, 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 Mubarak ho, sir ki film aa rahi hai. Thank God, zordar taliya. Sid, bro, bahut achha kaam kar rahe ho bro. Ek bar shaadi kar lo. Acha. Uske warna raata lambiya lambiya hi rehti hai bro. और आप इंदु सर, आपने 30 साल पहले हमारी इंडस्ट्री को एक बेटा दिया था। वो बेटा अब नाना बन चुका है, लेकिन उसे यही लगता है कि वो बेटा है। ओ हेलो, ओ भाई साहब, ओ लीला के राम, अगर आपका ये इंट्रोडक्शन राउंड पूरा हो गया तो शो चालू करो, मुझे आगे और शूटिंग में जाना है। अकी सर, लव यू सर। मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैंने जब पहली बार काम किया था, मैं सर के साथ इतना सा था, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं अपनी वजह से हूँ। Love you sir. Okay, okay, guys, guys, please sit, let's begin the show. Let's begin the show, man. अरे, let's just begin the show. Love it, man. Love it. Funvir. कोई बात नहीं, थोड़े देर में दवाई का असर उतरेगा तो he'll be fine. ओ चूरन साहब, ये बकवास बात है, छोड़ो, ये आपने कॉफी वॉफी का शो, ये मग्गे क्यों ला के रखे? आप क्या सोचते हो मैं यहाँ पे आके नहाऊंगा सबके सामने? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो भाई साहब है ना, ये सबके सामने कपड़े उतार सकते, मैं नहीं उतार सकता। ओके फनी, सिट डाउन प्लीज, सी लिसन, राकी, दिस इज नॉट द ओरिजिनल शो, मेरे शो का बजट बहुत कम है, तो मेरे बाथरूम में जो मग्गे थे मैं वही उठा ले आया। रिहर्सल के टाइम चला था। ऑल राइट, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज टू यू राकी। Okay. Now tell me, this is the thing that's spoken about you across the industry. Everybody yeah. says that कि yeah. आप producer से इतने ज़्यादा पैसे लेते हैं कि बाकी के cast को कुछ नहीं मिलता। Why? ये सबसे बड़ी झूठ की बात है। मैं cast में believe नहीं करता। मैं जो है जाति वाति किसी को नहीं मानता, सब एक बराबर है। I love you sir. ये मुझे आपसे सीखना है कि बात को गोल कैसे घुमाते हैं। इनके कहने का ये मतलब है सर कि आप सारा पैसा ले लेते हो, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो। तो तू क्या चाहता है कि मैं फ्री में काम करूं और धीरे धीरे करके रस्ते पर आ जाऊं? हैं? अरे भाई, हमको भी घर चलाना होता है, हमको भी बीवी बच्चे पालने होते हैं। बच्चे? हाँ सर, हम भी तो आपके बच्चे ही हैं। I love you, sir. एक मिनट,
हो गया और करना है बैठ यहाँ पे मेरी जान नॉट टू मी नॉट योर नो मैं हमेशा कुछ डिफरेंट करने का ट्राई करता हूँ ब्रो बोले ऑफ कोर्स आई ऑलवेज जैसे मैं इधर भी बैठा हूँ मुझे लगता है ये बहुत नॉर्मल है ना ये ऐसे बैठना आई वांट टू डू समथिंग डिफरेंट मैन लाइक ओह नाइस ओह माय दिस इज फाइन मैन और जस्ट व्हाट इसे नीचे ला वाह अरे हे भगवान हे भगवान मैं पागल हो जाऊंगा ओके 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग इसका सी लिसन आप दोनों यहाँ पर हैं तो एक छोटा सा काम था मुझे आप दोनों से एक फेवर चाहिए मैं एक फिल्म बना रहा हूँ यू बोथ फिट द बिल इन द लीड एक्टर्स बस ये काम ना चैरिटी के लिए तो मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा व्हाट हेलो ड्राइवर गाड़ी निकालो मैं आ रहा हूँ आ जाइए सब भारी करिए क्वेश्चन टू यू नाउ अगर आपको अजय जी की कोई चीज चुराने का मौका मिले तो आप क्या चुराएंगे मैं इनकी काफी चीजें हैं लेकिन एक चीज जो मैं चुराना चाहूंगा इनकी लोल्स लॉयल्स वो चुरा के आप क्या करेंगे बहुत महंगी गाड़ी होती है करोड़ों रुपए की है बेच दूंगा फिर उससे 60-70 टैक्सियां खरीदूंगा उनको किराए पे चलूंगा पैसे ही पैसे होंगे लास्ट क्वेश्चन टू यू अगर तुम्हें मौका मिले स्टूडेंट ऑफ द ईयर करने का तो किसका रोल करोगे सिद्धार्थ का या वरुण का आलिया का व्हाट बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू वेयर दोज नाइस स्कर्ट्स मैन सो कलरफुल सो दोज ज्वेलरीज आई लव इट मैन आप हमारे दर्शक देख रहे हैं ये आपसे बहुत सारे सवाल करना चाहते हैं तो उन्होंने मुझे लिख के दिए हैं जनता के सवाल इस सेगमेंट का नाम है अच्छा बनारस से सुशीला जी पूछ रही हैं अजय सर के लिए ये सुशीला जी पूछती हैं कि अजय सर आपको ज्यादा हंसते हुए नहीं देखा अब भी जब सारे हंस रहे थे आप चुप थे आप पहले से ही इतने सीरियस हैं या शादी के बाद हुए अरे सुशीला हंस रहा था मैं और वैसे मैं शुरू से ही थोड़ा सीरियस हूँ शादी के बाद और हो गया सिद्धार्थ जी के लिए सवाल है हाथरस से बल्लू जी लिखते हैं कहते हैं हमें आपकी फिल्मों का इंतजार रहता है लेकिन आप साल में एक या दो ही फिल्म करते हैं जबकि अक्षय कुमार और अजय साहब साल में 4-4 फिल्में करते हैं तो आपने अपनी डेट्स कहाँ दे रखी हैं स्पष्ट करें बताओ भाई सीख रहे हैं भैया सीख रहे हैं सीख रहे हैं अजय सर रकुल जी सबसे सीख रहे हैं अभी आने वाले अभी आगे कोशिश रहेगी 3-3, 4-4 बार आए जरूर आएंगी भोपाल से तन्वी शर्मा पूछती हैं रकुल प्रीत मेरा मार्केटिंग का जॉब है साथ में एक बॉयफ्रेंड भी है मैं उससे जरा भी टाइम नहीं दे पाती आप बताइए दोनों चीजें कैसे मैनेज करूं मैं स्केड्यूलर हूं मतलब बट आई थिंक आप मतलब क्या बताऊं मैं उनको टाइम से उठ जाओ और टाइम मैनेजमेंट करो आप अपना वाला फॉर्मूला बता दो जहां पे आप काम कर रही होती बॉयफ्रेंड को उधर बुला लिया करो ऐसे जनता जनार्दन आप इस फिल्म में देख रहे हैं कि सिद्धार्थ जो है उनका जो किरदार है उम्र के ऊपर चला जाता है कुछ लोग इन बातों में बिलीव करते हैं कुछ लोग नहीं बिलीव करते हैं कुछ लोग तो किसी भी अंधविश्वास में बिलीव कर लेते हैं मैं आप लोगों के विचार जानना चाहता हूं अगर आप कोई ऐसे अंधविश्वास में विश्वास रखते हैं आप अपने विचार रख सकते हैं जी सबसे पहले कौन आ रहा है जी भाई साहब हाय एवरीवन मेरा नाम नितेश है मैं दिल्ली से हूँ इतने खुश की लॉटरी लगी आपकी दिवाली बम्पर लगा जी नितेश बहुत बहुत स्वागत है आपका तो कपिल सर मेरे साथ तो बहुत मजेदार किस्सा होता है ये सुपरस्टिशियस को लेके मैं नहीं मानता हूँ अच्छा लेकिन मेरी फैमिली बहुत मानती है अच्छा जी। तो मैं नींद में बात करता हूँ तो शादी हो गई आपकी कि नहीं नहीं तो मैं नींद में बात ही करोगे और क्या तो फिर तो मेरे घर वालों को लगता है कि मेरे ऊपर किसी चुड़ैल का साया है तो मैं नींद में बातें करता हूँ अच्छा। तो वो हर तांत्रिक के पास लेके जाते हैं सारे टोटके अपनाते हैं फिर तो अभी लेटेस्ट टोटका उन्होंने क्या किया नारियल लिया मोली बांध के टीका लगा के मेरे बिस्तर के नीचे डाल दिया तो उन्होंने कहा अगर ये 7 दिन बाद लाल निकलेगा तो मतलब चुड़ैल है और सफेद ही निकलेगा मतलब नहीं है फिर काट के देखा आपने तो वो 7 दिन बाद काटा तो सफेद निकला तो अच्छा अब मेरे घर वालों ने इसके बाद एक नया तरीका सोच लिया मुझे परेशान करने का कहते हैं इसकी शादी करा देते हैं अरे लेकिन वही चुड़ैल से नहीं अपनी पत्नी से बोलेगा वही वही मैं बोलने वाला था शादी कर ले नींद में क्या होश में भी बात नहीं करेगा क्या बात है
देखा तजर्बा। और कोई मेरे भाई बंधु अपने विचार पेश करना चाहते हो इस मौके के ऊपर? जी ये आप जब एंट्री ले रहे थे सर, ये बहुत उछल उछल के नाच रहे थे भाई साहब, आप माइक। हाँ हाँ, कैसे आप? डांस किया पूरा। अभी अभी 1.5 किलो मिठाई पेल के आए। हेलो 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 हेलो, माय नेम इज समीर, मैं गोरेगांव से आया हूँ। जी बताइए। आपने कहा अंधविश्वास हम करते हैं विश्वास, जैसे बिल्ली रास्ता काट देती है हाँ। तो बहुत सारा मतलब नुकसान हो जाता है। कल जैसे ऐसे मानते हैं, कई लोग मानते हैं, पर कई ना हम मानते हैं सर। हमारे साथ तीन बार हो चुका है। अच्छा जी। तीन बार टेंशन में आ चुके हैं हम। तो कल मेरा मलेशिया का फ्लाइट का टिकट था। अच्छा। तो अभी मैं जा सार था शूट पे, तो बिल्ली ने रास्ता काट दी। तो अभी आते समय एजेंट का फोन आया जो टिकट मारते, बोलते आपका टिकट कैंसिल हो गया। तो उसमें बिल्ली ने क्या किया जाके? ये लेकिन सेम बिल्ली है जो रास्ता काटती है, अलग अलग बिल्ली है? अलग अलग बिल्ली रहती है। हो सकता है बिल्ली किसी शो में जाके अपना किस्सा सुना रही हो कि भाई साहब मिले थे मुझे, दूध ही नहीं मिला आगे, ये भी तो हो सकता है। जी सर। समीर क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सर, ऐसा मतलब जैसे जॉब पे से आते जैसे बिल्ली या रास्ता काट देती है हाँ। तो काम खराब हो जाता है, टेंशन में आते, जैसे पेमेंट्स नहीं मिलता है। आपने कभी बिल्ली से बैठ के बात करके देखो क्या पता? बिल्ली से नहीं बात। शादी हो गई समीर आपकी? शादी अभी नहीं हुई थी, अभी लगी है थोड़ा। लगी है? लगी है मतलब शादी लगी क्या होती है? गांव में लगी है शादी 2 साल के बाद। अच्छा मतलब एंगेजमेंट वगैरह हो गई है। तो पहले निकल जाना ये ना, बिल्ली फिर आ जाए। पहले निकल जाए। शुक्रिया समीर, धन्यवाद आप अपने पेट के साथ यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो एवरीवन, मेरा नाम शालम, दिल्ली से आया हूँ। हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे आपने कहा अंधविश्वास, मैं भी बिलीव करता हूँ। जैसे मैं किसी काम को लेकर किसी भी पर्पज से अपने मतलब घर से बाहर जाता हूँ, या कोई पीछे से मेरे को उस काम के लिए लेकर टोक दे, तो वो काम मेरा पूरा नहीं होता। पीछे से कैसे टोकते हैं लोग? जैसे मैं घर से जा रहा हूँ हाँ। और पीछे से कोई आवाज दे देकर रुको या कुछ भी, और इस चीज को लेकर मेरा ज्यादातर अपनी बीवी से झगड़ा होता। अच्छा, कि पीछे से आवाज नहीं देनी? बहुत झगड़ा होता है, आगे जाके झगड़ा होता है। पर आप मानती हैं इन सब चीजों में? ये खुद ही मतलब इनके माइंड से बातें निकल जाती हैं। जब ये जा रहे होते हैं तो मैं हमेशा सब अच्छे काम के लिए रोकती हूँ। ये मुझे ब्लेम करते हैं कि तू गलत चीज के लिए मुझे टोकती, मेरे काम बिगड़ जाते हैं, रोज झगड़ा इसी चीज को। अच्छा, सारी रात ये घर पे ही होते हैं ऐसी, उस समय क्यों नहीं करती? जाते हुए क्यों याद आती है आपको बात? सर चलते टाइम ही याद आती है सारी चीजें। मैं भी सर यही कहना चाहता हूँ, जब मैं जिस टाइम घर पे हूँ तो उसी टाइम मेरे को बता दे, अगर मैं कोई चीज भूल भी रहा हूँ तो जरूरी थोड़ी ना अगर वो चीज मैं हैंड टू हैंड लेके जाऊंगा तो उस चीज के बिना मेरा कोई काम नहीं होगा। अच्छा, दोनों सफाइयां ऐसे दे रहे जैसे मैं जज हूँ और मैं इनकी तारीख है आज। देखिए घर गृहस्थी में ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं, मेरे हिसाब से तलाक अपने मन से निकाल दीजिए। सर इनका काम नहीं बनता तो ये ब्लेम मुझे करते हैं और लड़ते हैं, फिर तू टोकती है। यही है जिंदगी की मिठास मोहतरमा, ये छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी, ऐसे ही जिंदगी कब निकल जाएगी पता नहीं चलेगा। आप एक काम कीजिए ना, अगली बार आप लिख के रख दीजिए और इनकी जेब में डाल दीजिए जाने से पहले, तो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जी सर, वेरी गुड आइडिया, थैंक यू सर। और कोई हमारे मित्र कोई ऐसी बात करना चाहते हो? मैडम आपको इतनी प्यारी लग रही है ना इस कलर की साड़ी में, और आपने जो नथनी पहनी है, बार बार मैं ध्यान गया था, ऊपर से आपने ये जो चेन पहन रखी है, आप मानती हैं अंधविश्वास में? नहीं। जैसे आप ये चेन पहन के आई हैं, हो सकता है जाते हुए ये गुम हो जाए हाँ। नहीं। मान लो फिर अगर आप इस तरफ से निकली ना तो आपकी चेन पक्का गुम होगी, इस तरफ से निकली। शुक्रिया मैम, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन, हेलो कपिल सर, मेरा नाम अनुष्का जयसिंह है। जी अनुष्का। और एक्चुअली अंधविश्वास में बिलीव नहीं बिलीव करना ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, बट कभी कभी मॉम डैड बोल देते हैं कि बेटा ये कर दो, तो फिर मैं बिलीव कर लेती हूँ। अब रिसेंटली दशहरे के दिन ना मम्मा ने मुझे सुबह बोला कि बेटा मैं आपको शाम में सोना दूंगी, आप ना अपने पर्स में रख लेना, उससे बरकत होती है। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि चलो रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हैं मुझे, अभी बड़ी हो गई हूँ तो कि सोना देंगे। तो दशहरे के दिन शाम में ना मम्मा ने एक पत्ता दिया और बोला कि बेटा इसको पर्स में रख लो, ये सोना है। मैंने कहा ये क्या बात हुई, आपने तो सोना बोला था पत्ता दे रहे हो। आधा मूड मेरा वहीं खराब हो गया। उसके बाद उनकी खुशी के लिए चलो रख लिया, मैंने सोचा कि चलो रख लेते हैं, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, उसके बाद तो मेरा दुगना खर्चा हो रहा है, बरकत तो दूर की बात है।
मेरी मम्मी भी ना बचपन में क्या करती थी, मुझे दही खिलाती थी, कहती एग्जाम अच्छे होते हैं। हाँ। एग्जाम में तो जितने नंबर आने थे उतने आए, दही का बिल बड़ा आ गया हमारा। पर होता है ऐसा। शुक्रिया, धन्यवाद। आप कहाँ से आई मैडम? हमारे फ्रेम में अच्छा लगता है, सोनी टीवी पे ना ज्यादा। माइक दे दिए वैसे। नमस्कार, आप तीनों साथ में? हम दोनों साथ। व्हाइट व्हाइट, अच्छा ये भी आपके साथ नहीं है? नहीं। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। हेलो सर। हेलो सर, आई एम वेरी बिग फैन ऑफ योर्स, आई वांट समथिंग फॉर यू। क्या? एक्चुअली फॉर दिवाली। ओह हाउ स्वीट, थैंक यू। क्या? कैन आई गिव यू? यस प्लीज। अपना हस्बैंड ना दे देना मुझे। सीरियसली आप कुछ लेके आई हैं? हाउ स्वीट, क्या क्या लेके आई? ओह वाओ, ये मेरे लिए वाओ। इट्स अ ग्रेविटी पेन। ओह वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। लिखना नहीं आता इसको। थैंक यू। आई होप यू लाइक इट। या या, इट्स वंडरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। ये रख लीजिए, अर्चना जी को नहीं देना, ठीक है? नहीं नहीं। हमारे दर्शकों को एक बार फिर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हर शनिवार रविवार हमसे मिलते रहें। धन्यवाद, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।